हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको पढ़नी होती है तभी हमको गॉस थ्योरम समझ में आता है। तो हम जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं 11th का ताकि आपको 12th में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक था जो था इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी अगर चार्ज होता है उसको अगर हम स्टेशनरी चार्ज को रख देते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, तो ये चार्ज जो होता है वो अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसको डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंसेप्ट आया था जो इमेजिनरी कंसेप्ट है, वो है लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, आगे लिखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो हम यूज करते हैं किसको डिनोट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये ऐसे होगी, मान लो पैरेलल है और सेम डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह पे फील्ड, मान लो इतना एरिया है, इतना एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, वो बताने का काम कौन करता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का इजाद किस लिए किया गया, ताकि हम क्या रिप्रेजेंट कर सके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद में एक कंसेप्ट आया था, वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कंसेप्ट समझ लो, मान लो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास में मैंने क्या करा, एक उनके रास्ते में एक एरिया रख दिया। एक क्या कर दिया मैंने, एरिया रख दिया। मान लो एक कोई एरिया है, एक कोई सरफेस है, मैंने ऐसा इसको रख दिया। ठीक है, इस तरह से। अभी ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एरिया है, ठीक है, एरिया भी जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया हमेशा, अगर इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा, जिसका एरिया हम निकाल रहे हैं ना, उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस ऐसा रहेगा तो एरिया वेक्टर ऐसा या ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया क्या रहेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा या फिर इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया को, सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। तो मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में से, तो इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स क्या होता है, जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, जितनी फील्ड लाइंस इस फील्ड लाइन में से, सॉरी इस एरिया में से, जो दिया हुआ एरिया है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसमें से ये तीन फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यही कंसेप्ट है। और अभी ये बाकी का जो ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में नहीं गिनेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में नहीं गिनेंगे। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं गिनेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जितनी फील्ड लाइन्स गिवन एरिया में से पास होंगी, गिवन एरिया में से पास होगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इस ये जो गिवन एरिया है, जो सरफेस है, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो पूरी फील्ड लाइंस गिन लो, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा डेफिनेशन है इसी से बना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब क्या, एक मीटर स्क्वायर, मान लो ये बहुत सारी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी है, करेक्ट है, और इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। कितना है, जो एरिया हमने रखा है उनके बीच में वो कितना है, 4 मीटर स्क्वायर का।
तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त क्या करेंगे, सिर्फ फील्ड लाइंस गिन लेंगे, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी है, 8। तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाइव से, फ्लक्स कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें पर यूनिट एरिया निकालना होता है। ठीक है, टोटल एरिया जो दिया हुआ एरिया है, इसमें से कितनी पास हो रही है, 8। तो ऊपर हम क्या लिख लेंगे, कितनी पास हो रही है, पूरे एरिया में से 8 फील्ड लाइंस पास हो रही है, और उसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है, एरिया। तो एरिया कितना है, 4। तो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2। ठीक है, तो दोनों वक्त हम क्या करते हैं, दिए हुए एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जो टोटल फील्ड लाइंस आएगी वही आएगा हमारा फ्लक्स। और जब टोटल फील्ड लाइंस को हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया। एरिया को कहां कहां पे एस से भी डिनोट किया जाता है, और छोटा अगर एरिया हो तो उसको डीएस बोला जाता है, छोटा अगर एरिया हमने कंसिडर किया है तो उसको डीएस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, और उसके बाद में जो फ्लक्स का डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला है वो होता है ई बार डॉट डीएस बार। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्या है ये, इसी से निकालो, देखो इसी से निकालो, फाइ इक्वल टू ई इंटू डीएस। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे देखो दोनों में क्या है, प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर के बीच में जब प्रोडक्ट होता है तो दो तरह का हो सकता है, एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें हमें इसको देखना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तब जो थर्ड क्वांटिटी हमें मिलती है वो स्केलर होती है। ठीक है, तो ये फ्लक्स हमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। और वापस 11 में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मालूम है, ईडीएस। और जब कॉस, जब डॉट होता है तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कॉस थीटा से, और स्केलर है तो इसके थर्ड जो क्वांटिटी आएगी उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वेक्टर लिखने का कुछ जरूरत है। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें याद रखने के थे। ठीक, और क्लास 11 में आपका गॉस थ्योरम है, तो गॉस थ्योरम क्या होता है वो भी हम देखते हैं, और जस्ट अभी उसका एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर देंगे तो 12th का सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू कर, तो 12th सिलेबस का जो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लो एक कोई चार्ज है, इस चार्ज को मैंने प्लेस किया है किसी मीडियम में। ठीक है, हवा मीडियम है, वाटर है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, किसी मीडियम में इस चार्ज को मैंने प्रोड्यूस किया है या फिर हमने रेस्ट में उसको रखा है, तो ये क्या करता है, अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज से क्या निकलती है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। हमने क्या किया, इस चार्ज को किसी एक एनक्लोज्ड सरफेस में क्लोज कर दिया। ठीक है, इस चार्ज से सब तरफ क्या जा रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है जो हमने पहले ड्रॉ करी थी। हमें क्या बताना है, मान लो इस जो ये एनक्लोज सरफेस है उसके सरफेस पे कुछ एरिया कंसिडर कर लिया मैंने, ये एरिया है मान लो डीएस, ये एरिया है मान लो डीएस। ठीक है, तो इस जो एरिया है, इस एरिया में से जो जाने वाला फ्लक्स होगा, अभी हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो नहीं एप्सिलॉन। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, उतना ज्यादा हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, मतलब मीडियम उस फील्ड लाइन को पास होने के लिए कितनी परमिशन देती है, वो मीडियम फेवरेबल है या नहीं है, मीडियम सपोर्ट करता है या अपोज करता है, उससे हम क्या डिसाइड करते हैं, परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी ज्यादा है ना तो मीडियम अपोज करता है, ठीक है, और परमिटिविटी कम है ना तो मीडियम सपोर्ट करता है। क्यों, देखो परमिटिविटी नीचे है तो जितना ज्यादा परमिटिविटी का वैल्यू आएगा उतना आपका फ्लक्स कम आएगा, फ्लक्स कम आएगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आएगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी।
ठीक है, तो जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना फ्लक्स हमें कम मिलता है। यही है आपका गॉस लॉ, यही है आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो अभी हमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखना है, जो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो अभी हम उसको चालू करते हैं। ठीक, और फ्लक्स का यहाँ पे भी देख लो क्या है, फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू भी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अगर मीडियम फ्री स्पेस रहा, एयर रहा, तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखो। ये सारा 11 का प्री रिक्विजिट आपको लगने वाला है। अभी हम चालू करते हैं 12 का पहला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन का जो हेडिंग है उसका मीनिंग समझ लो। ठीक है, ये हेडिंग क्या बोलता है कि एक कोई चार्ज स्पीयर होगा। ठीक है, ये जो स्पीयर है ये हेवी मतलब सॉलिड भी हो सकता है या फिर हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, इस चार्ज स्पीयर पे कुछ तो चार्ज है, मान लो इस चार्ज स्पीयर पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। देखो ये स्पीयर है, स्पीयर के पास कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। स्पीयर चाहे आपको सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो चार्जेस होते हैं वो किस पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, अंदर कभी भी चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मान लो स्पीयर पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। स्पीयर पे टोटल चार्ज है क्यू। ये जो चार्ज है स्पीयर पे टोटल, उसकी वजह से ये जो कुछ दूर पे मैंने पॉइंट लिया है पी नाम का, इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही होता है कि किसी चार्ज से दूर हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उसके लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, इस चार्ज स्पीयर पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस फील्ड का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी लिख लेते हैं पहले, क्या करेंगे, एक चार्ज स्पीयर कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको दूसरा नाम है कंडक्टिंग स्पीयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये कंडक्टिंग स्पीयर का नाम ही मान लो, चलो ए नाम है। ए नाम का स्पीयर जो है उसको बोलेंगे चार्ज स्पीयर या फिर कंडक्टिंग स्पीयर। क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज है और जिसके पास चार्ज होता है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ए, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस आर जितना है, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर जितना है। ठीक है, उस कंडक्टिंग स्पीयर पे चार्ज कितना है, क्यू है। उस कंडक्टिंग स्पीयर पे चार्ज कितना है, क्यू। और उस स्पीयर का एक कंसेप्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी 11th में ही हुआ है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो इसका एरिया कितना होगा कंडक्टिंग स्पीयर का, एरिया ऑफ स्पीयर ए क्या होता है, 4πr². ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मालूम है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा क्या हो जाता है, टोटल चार्ज कितना है पूरा, क्यू है। तो क्यू और इस कंडक्टिंग स्पीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4πr². ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से सिग्मा अपना क्यू मिल जाएगा मुझे, सिग्मा इंटू 4πr², ये कभी लगेगा तो यूज कर लेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, क्या कंसिडर किया हमने, स्टेप्स होती है, एक चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर कंसिडर कर लिया है, उस कंडक्टिंग स्पीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर जितना है, उस स्पीयर पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू जितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है। ठीक है, और टोटल चार्ज है इस पे क्यू, और कंडक्टिंग स्पीयर का एरिया कितना है, 4πr². तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4πr². ठीक है, तो ये क्यू निकल गया। अभी दूसरा स्टेप क्या होता है, अभी ये चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर पे चार्ज है, चार्ज क्या काम करता है, टोटल चार्ज मिला के एक काम करेगा, इसके आजू बाजू पे क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमें क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो अभी स्टेप ध्यान में रखा, जब भी हमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है करना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही ढूंढना होता है, जिस पॉइंट पे ढूंढना होता है उस पॉइंट से जाने वाला एक गॉसियन स्पीयर ड्रॉ करो। ठीक है, या फिर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। जो सरफेस होता है वो अलग अलग हो सकता है, अगर अंदर वाला चार्ज किस पे है, स्पेरिकल बॉडी पे है ना, तो जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। अगर ये जो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है वो अगर सिलेंड्रिकल होगी
तो गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे ना तो वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे जिस बॉडी पे चार्ज है वो स्फेरिकल है, हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम पी पॉइंट में से जाने वाला एक स्पीयर निकालेंगे। तो ये हमने एक स्पीयर निकाल लिया पी पॉइंट से जाने वाला, पी पॉइंट से जाने वाला स्पीयर निकाल लिया। ठीक है, मान लो इस पी का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है, आर कितना है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेंटर से कितना है, आर है, ऐसा हमने मान लिया है। इस पॉइंट पे अभी निकालना है। पहला स्टेप हो गया क्या ड्रॉ करना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, और उस सरफेस की रेडियस कितनी है या फिर उस स्पीयर की, अब ये जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस बना, स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस बोला है तो ये गॉसियन स्पीयर हो गया, और गॉसियन स्पीयर का रेडियस कितना है, आर है। ये स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है। ठीक है, उसका रेडियस आर हो गया। अभी दूसरा स्टेप क्या करना है, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अराउंड ड्रॉ या फिर कंसिडर स्मॉल सरफेस एरिया, क्या होता है स्मॉल सरफेस एरिया, डीएस, स्मॉल सरफेस एरिया डीएस अराउंड पी। इस पी के अराउंड में एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर कर देता हूं, उस सरफेस एरिया का नाम क्या है, डीएस। छोटा सा सरफेस एरिया है इसलिए उसको किससे डिनोट करेंगे, डीएस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। अभी क्या, ठीक है, तो अभी होता है हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, जो फॉर्मूला है। ठीक है, पहले फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, फ्लक्स निकालने के बाद फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही एरिया से डिवाइड कर देंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। वही हमें करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही ढूंढना है। ठीक है, तो उतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को रफ करके इधर ही मैं कैलकुलेशन अभी करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इधर करता हूँ, इधर का दिखेगा क्या आपको, चलो दिख जाएगा। उतना करने के बाद देखो क्या होगा, कंसेप्ट पे जाना है अभी। ठीक है, देखो ये जो चार स्पीयर है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, क्यू चार्ज से क्या निकलेंगी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिस भी चार्ज से निकलती है, और जब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड। तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसी आउटवर्ड निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो ऐसी आउटवर्ड निकलेगी। मान लो सेंटर से निकलती है तो कैसे निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी। ठीक है, तो ये एरिया डीएस कंसिडर कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसी, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि क्या है, वापस क्लास 11 में जाना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज से निकलती है या किसी निगेटिव चार्ज पे पहुंचती है, तो निकलते वक्त भी वो परपेंडिकुलर निकलती है, और जब इंसिडेंट होती है दूसरे निगेटिव चार्ज पे तब भी वो कैसी इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिव्स नॉर्मली एंड इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन द लिव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंसिडेंट्स ऑन निगेटिव चार्ज नॉर्मली। तो इस स्पीयर से जब निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तब परपेंडिकुलर निकलेगी। अब इस स्पीयर को परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस वाले स्पीयर को भी आपको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये दोनों स्पीयर क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है। कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है इसका मतलब इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये यहां पे मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएस। और दूसरा किस्सा, ये डीएस मतलब एरिया है, और एरिया कौन सी क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और वो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर भी, एरिया वेक्टर भी जिस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया आप निकाल रहे हो उस एरिया को परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या, ये एरिया वेक्टर भी है वो परपेंडिकुलर होगा एरिया को ही। ठीक है, हमने पढ़ा अभी इस सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या होता है, इस पर्टिकुलर सरफेस को परपेंडिकुलर। उसी तरह से इस पर्टिकुलर सरफेस को ये डीएस बार जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखो ई बार भी डीएस को परपेंडिकुलर है और डीएस बार भी डीएस को परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम आ गई तो दोनों के बीच का जो डायरेक्ट एंगल है वो एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। ठीक है, चलो यहां तक तो
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी जाते हैं धीरे धीरे डेफिनेशन पे, ठीक है। डेफिनेशन, फाई क्या होता है? इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट का रूल यूज करो, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है? जीरो, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, इज इक्वल टू ई। ई क्या है? यूनिफॉर्म है। अभी ई यूनिफॉर्म क्यों है? ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर चार्ज से, इस पर्टिकुलर चार्जेस से गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस हमेशा क्या है? सेम है। और आपको मालूम होगा, वापस इलेवंथ में जाओ, ई क्या होता है? क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फोर पाई कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट होती है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहा किसी भी पॉइंट का, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहा किसी भी पॉइंट का चार्ज से, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट होगी। तो इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस देखो एक ही आया, यहां से भी उतना ही डिस्टेंस, या फिर उतना ही डिस्टेंस, या फिर उतना ही डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है? जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर कौन बचा? फिर अंदर सिर्फ डीएस बचा, अंदर सिर्फ डीएस बचा। अब यहां पर ठीक से समझना, फाई इज इक्वल टू ई, तो कांस्टेंट है, डीएस का इंटीग्रेशन, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन मतलब क्या? बड़ा एरिया, बड़ा एरिया मतलब अभी किसका बड़ा एरिया? ये जो गॉसियन सरफेस लिया है ना, ये छोटा सा एरिया किसका हिस्सा है? गॉसियन सरफेस का हिस्सा है। तो इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन मतलब पूरा एरिया, पूरा एरिया क्या होगा? पूरा एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर किसकी रेडियस है? देखो आर किसकी रेडियस है? आर है बाहर वाले की, गॉसियन। अभी इस पे से फ्लक्स क्या आ जाएगा अपना? फ्लक्स आ जाएगा, देखो E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो E क्या है? ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई को है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, इसको चलो इक्वेट कर दिया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन गॉस लॉ क्या बोलता है? अगर किसी क्लोज सर्फेस के अंदर, गॉस लॉ ठीक से सुनो, अगर किसी क्लोज सर्फेस के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, और उस दूर पे इस क्लोज सर्फेस पे अगर कोई फ्लक्स बना रहा है, क्लोज सरफेस पे अगर वो कोई फ्लक्स बना रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। अगर मीडियम एयर रहा तो एप्सिलॉन जीरो, अगर मीडियम कुछ अलग रहा तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ये गॉस लॉ के अनुसार है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई इंटू फोर बाय आर स्क्वायर। देखो एरएचएस एरएचएस सेम है, आरएचएस आरएचएस इक्वेट कर दो, आरएचएस इक्वेट हो जाएंगे, तो क्या जाएगा? देखो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये 4 पाई ये एप्सिलॉन और ये आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। हमको यही ढूंढना था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Q जो चार्ज की वैल्यू है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन आपको दिया रहेगा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आपको दी रहेगी, और डिस्टेंस दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, और हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या अलग अलग इसमें? तो आराम से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अभी कौन सा सिग्मा? सिग्मा इसका निकालते हैं, जिस पे चार्ज होता है ना उसका सिग्मा निकालते हैं, ठीक है। इस अंदर वाले का सिग्मा कैसे निकालेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक है। देयरफॉर क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई को इसमें वैल्यू डाल दो, देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं, इसमें केसेस लग जाएंगे, इसमें क्या लगती है? केसेस लग जाएंगे। पहली केस आपका क्या होगा? E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और आपको मालूम है एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू के,
जब के होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। केस फर्स्ट, अगर अगर जो पॉइंट पी है इज ऑन सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, ऐसा अगर केस हुआ, मतलब क्या, ये जो पी पॉइंट है आपका, ये पी पॉइंट कहां पे है, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, तो यहां पे आ गया मान लो पी, पहला केस बोल रहा है कि पी यहां पे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू R हो जाएगा, इसमें डाल दो वैल्यू, इसमें भी डाल सकते हो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, और इसमें वैल्यू डाल देंगे तो, और E इज इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन R स्क्वायर, R भी क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो दोनों कट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी सिंपल है, केस टू मान लेते हैं कि पी पॉइंट जो है इनसाइड है, इनसाइड चार्ज्ड स्फीयर, तो क्या होता है, E इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। पहली चीज, जो जो भी चार्ज होता है, कंसेप्ट समझ लो, जो भी चार्ज होता है ना वो किस पे होता है, सेंटर सॉरी सरफेस पे होता है, ठीक है, चार्ज जो भी होगा सरफेस पे, अंदर के साइड कोई चार्ज नहीं होता है, अंदर के साइड में कोई चार्ज नहीं होता है ना, तो कंडक्टर के अंदर के साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। और पी अगर इधर सेंटर में आ गया, तो सेंटर में आ गया तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो लेकिन क्या है, पी ऐसा सेंटर में कहां पे भी हो, इस हॉलो स्पीयर के अंदर, हॉलो स्पीयर के अंदर या फिर सॉलिड स्पीयर के अंदर भी अगर आप जाओगे ना, इस पॉइंट पे कहीं पे भी जाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, यह बात हमेशा ध्यान में रखना। ये भी आपने 11th में पढ़ा है, क्या जो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कंडक्टर में से पास नहीं होती है, कंडक्टर के बाहर से, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले एप्लीकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।